अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चार दिन से इशार के स्कूल में स्टे बैक था, तो उसको मैं 2 बजे लेने जाती थी, सुबह 7 बजे ड्रॉप करती थी। तो कभी इलाम जाग रही होती थी, कभी उसको छोड़ के चले जाती थी, या कभी उसको लेके जाती थी। जब इशार को मैं पिकअप करके गेट के पास लेके आती थी ना, तो इलाम को वो प्ले एरिया दिख जाता था, वो सीधा बस प्ले एरिया की तरफ जागती थी। अभी 2 दिन से वो लोग ने वो प्ले एरिया खोल के रखा था। पहले तो उसमें लॉक लगा होता था, तो नहीं जा सकते थे, लेकिन इल्हाम जाती ज़रूर थी चेक करने के खुला है कि नहीं। तो 2 दिन तो दोनों ने अच्छा खेला, रोज़ 1-1 घंटा वहाँ पे खेलती थी स्कूल के बाद में। फिर मैं घर आती थी लेके इन लोग को। फिर तीसरे दिन वो वॉचमैन दूसरा बदली हो गया, अब उससे मैं इतना लड़ी कि खेलने दो बच्चों को, 5 मिनट खेलेंगे चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं, बोलता अलाउड ही नहीं है, स्कूल के बाद आपने जाना होता है, आप नहीं रुक सकते हो यहाँ पे। मैंने बोला बच्चे खेलेंगे ना, फिर अगर बच्चे नहीं खेल सकते हैं तो फिर काहे के लिए, डेकोरेशन के लिए है क्या। मतलब मैंने बहुत लड़ाई करी उससे, लेकिन उसने नहीं जाने दिया। उस दिन अच्छा हुआ इल्हाम मेरे साथ नहीं थी, अगर वो इल्हाम होती तो उसको तो समझा ही नहीं सकते थे। इशाल को तो मैंने समझा लिया था, लेकिन इल्हाम तो इतना रोती कि कयामत कर देती। इशाल को स्कूल ड्रॉप करती है, आज भी 2-3 मिनट लेट हो गई है, अभी 7:40 हो रहे हैं। और इल्हाम जो है उसको मैं लेके नहीं आई आज, क्योंकि वो शूज़ कोई भी पहन रही नहीं, पता नहीं इसको क्या हो गया है। सॉक्स पहना के भी करती हूँ फिर भी नहीं पहनती, और वैसे भी पहनाती हूँ तभी भी नहीं पहनती। कल जो नए शूज़ लेके आई हूँ उसको पहनाने के लिए भी मैंने उसके साथ में इतनी फ़ाइट की है, तब उसको पहनाए, और इतना वो रोई है, इतना रोई है बाप रे। तो अभी भी वही हाल था, अभी मैं उसको शूज़ पहना रही थी लेकिन उसने नहीं पहने। फिर मैंने बोला आज इसको लेसन सिखाना पड़ेगा तभी ये पहनेगी। तो आज मैं उसको रोता हुआ छोड़ के रमेश के साथ आई हूँ, रमेश जाग रहे थे, तो बस मैं इशार को लेके आ गई हूँ। इल्हाम अभी फिर सो गई है 1 बजे के टाइम, उठी थी 10 बजे। फिर उसको मैंने ब्रेकफास्ट दिया, सिर्फ अंडा खाया और दूध पिया है बस, अभी आधा अंडा खाया, फिर सो गई है, मतलब अभी सोई है। और रो रही थी तो मैंने उसको डांटा ना, तो अपने डैडी के पास जाके सो गई। सुबह भी नहीं गई मेरे साथ इशार को लेने, अभी भी नहीं, अभी मैं अकेले जा रही हूँ। इल्हाम को मतलब मैंने जब वो छोटी थी 1-2 महीने की, तब से ही शूज़ पहना रही हूँ, लेकिन अभी उसको 1 महीने से पता नहीं क्या हो गया, कोई भी शूज़ नहीं पहन रही है। जो भी शूज़ पहनाते हैं रास्ते में फेंक देती है, स्ट्रॉलर में बैठी होती है तो चुपके से फेंक देती है। अब तक के इसने 3 शूज़ घुमा दिया, अभी मैं 3रा शूज़ लेके आई हूँ, लेकिन ये भी नहीं पहन रही है। जब भी शूज़ पहनाना होता है कयामत होती है, इतना रोती है जैसे कि इसको किसी ने मारा है। बहुत ही मुश्किल से शूज़ पहनाना पड़ते हैं। फिर रमेश को बोलती हूँ पकड़े, फिर भी ऐसे पैर झटक झटक के शूज़ उतार ही देती है। रास्ते में मैं कैसे भी करके पहनाती हूँ, फिर इसको मैं बोलती हूँ छोड़ के चले जाती हूँ कि हाँ मैं गोद में नहीं लूँगी, फिर तभी भी नहीं पहनती। मतलब हर तरह से मैंने इसको डरा के धमका के शूज़ पहनाने पर मजबूर किया, लेकिन नहीं पहनती है। थोड़ी देर पहन भी लेगी, उसके बाद में मैं जब इधर उधर देखूंगी ना, तो बस उतार के फिर फेंक देगी। मैं फ़ैन क्लीन कर रही थी, इल्हाम मुझे सारे पार्ट्स ला के दे रही थी। इल्हाम को भी पता है कि मम्मा फ़ैन क्लीन करती है तो उसको क्या क्या चाहिए होता है, और ये जो टूल बॉक्स है इसको बहुत पसंद है। जब भी कैबिनेट में जाती है सीधा ये टूल बॉक्स उठा के लेके आती है। अभी शायल का टाइम हो गया है ट्यूशन का, आज खाना नहीं बनाना था तो बस घर की सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी, जो भी लेफ्ट ओवर खाना था हमने वही खा लिया है। रमेश के लिए भी रोटी ला के रख दिए। इल्हाम अभी खेल रही है, टैब में बिजी है, इसके बाद में इशार को कुरान पढ़ना है। अभी 9:45 बज रहा है क्या, अभी 9:45 हो रहे हैं। अभी तक इशार का स्कूल का ख़त्म नहीं हुआ काम, कितने बजे से बैठी हूँ, 8:30 से, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। अभी पता नहीं कुरान कब पड़ेगी। इल्हाम को भूख लगी है, उसको मैंने चाय और ये ब्रेड में बटर लगा के दिया है, उसको आजकल ये अच्छा लग रहा है तो ये खिला रही हूँ। पहले ओट्स खा रही थी, अब वो ओट्स नहीं खा रही। इल्हाम या लखम अभी 10:30 बज रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं, और इशाल का अभी खाली स्कूल का मैंने पढ़ाया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया है तो 2 घंटे लगे। सिर्फ एक कर्सिव पेज उसने किया है, कर्सिव राइटिंग का, वो भी 3 लाइन थी। एंड और क्या किया, नंबर नेम्स लिखा है 21 to 40, और क्या किया, एंड रिविजन किया है, EVS का रिविजन, बस ये 3 काम किए हैं और 3 घंटे लगाए। हाँ साइट वर्ड इज ओनली 1 मिनट इशाल, then which reading we did today, rhymes bhi kiye, 4 rhymes, that is only 1 minute we finish it,
यू टुक मच ऑफ द टाइम इन राइटिंग, राइटिंग भी थी उसमें, ड्राइंग भी थी, कलरिंग तो की नहीं। और इल्हाम बोलती मुझे यहाँ पे खड़ा कर दो, मैं यहाँ पे खड़ा होना है। अब इशार इतना थक गई थी, बोलती मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी। मैंने बोला फिर कुरान नहीं पढ़ोगी तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। आज चौथा दिन था इशार के स्टे बैक का, तो आज इल्हाम भी मेरे साथ गई थी। तो फिर इल्हाम ने वापस से प्ले एरिया में जाना था, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। फिर इल्हाम इतना रोई कि बस उसको मैं संभाल ही नहीं पाई। पूरा रास्ता वो रोते रहे, उसको मैं रास्ते भर बोलती रही कि ये पार्क में जा रहे हैं हम लोग, इधर उधर दिखाते रहे, लेकिन नहीं, रोते ही रही, सिसकियों से रोई। फिर मुझे लेके ही आना पड़ा पार्क में। ये फ्लैग पार्क था, मेरे घर के नज़दीक था। फिर मैंने बोला चलो डायरेक्ट स्कूल से आप यहीं जाते हैं, थोड़ा खेल लो, उसके बाद रमेश का टाइम हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। तो बस इन लोग ने एक घंटा खेला है, फिर हम लोग चले गए घर। मतलब 2:15 बजे हम लोग पार्क में एंटर हो गए थे, एक बंदा भी नहीं था पार्क में। फिर जब हम निकलने लगे थे तो 2 फैमिली आई थी, 3 बजे मतलब 2 फैमिली आ गई थी। हम लोग निकले हैं यहाँ से 3:30 बजे। एक घंटा है, लोग ने अच्छा एंजॉय किया। इशार की स्कूल की वाटर बॉटल भी ले आए, तो उसमें थोड़ा पानी था, इल्हाम ने वो पी लिया। और इशार के स्कूल बैग में चिप्स भी थे केले के, तो वो भी, तो इनकी एक छोटी सी पिकनिक हो गई थी समझ लो। तो ये छोटा सा पार्क है, इसमें प्ले एरिया जो है बस 2 स्लाइडें और 4 स्विंग है, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी ग्रास वाला एरिया है, लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, ग्रुप में आते हैं, फैमिलीज आती हैं। 3 बजे से लोग आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो धूप में बैठने अच्छा लगता है, और घास पे बैठने तो और ही मज़ा आता है। इल्हाम ने माशाल्लाह सारी स्लाइड अपने आप से इंजॉय की, और उसको डर भी नहीं लग रहा था, इतनी ऊँची ऊँची स्लाइड पर जा रही थी। आइसक्रीम की लालच दी है तभी जाके इल्हाम आई है, नहीं तो वो आ रही नहीं थी। अभी उसको बोला आइसक्रीम दिलाएंगे तो चल रहे। इशार और इल्हाम ने 1 घंटा अच्छा इंजॉय किया। इन लोग ने सारी राइड, सारी स्लाइड ली, सारी स्विंग यूज़ किए, अच्छा खेले। मतलब स्कूल से आने के बाद रमीश को जगाया, फिर चाय बनाई, हमने चाय पी। उसके बाद में फिर मैंने गोश्त भी चढ़ा दिया था गलने के लिए। फिर नीचे आ गए हम लोग, क्योंकि रमीश को लेट हो रहा था। और इशार बोलती है कि मुझे सोना नहीं है, तो मैंने बोला फिर चलो। मैंने इसको बोला था कि अभी सो जाओ तो तुम मतलब शाम को फ्रेश हो जाओगी, लेकिन नहीं, बोलती नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे खेलना है। मैंने बोला ठीक है, फिर होमवर्क के टाइम पे रोना नहीं। फिर होमवर्क के टाइम पे वही करती है, रोती है, बोलती है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। फिर नखरे चालू हो जाते हैं होमवर्क के टाइम। आजकल ये लोग मस्जिद के अंदर भी खेलते हैं, जो लेडीज़ वाली साइड होती है ना वहाँ पे। तो इल्हाम और इशार अभी घर पे आ गए मगरिब के बाद में। इल्हाम थक गई थी तो बस वो सो गई है, और इशार को मैंने बोला है कि होमवर्क करो, अभी रो रो के होमवर्क कर रही है बैठ के। इशार को मैंने बोला तुम होमवर्क करो और मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। गोश्त तो गला हुआ है, खाली बस उसको मसाला भून के अरवी डालनी है। तो सबसे पहले मैं सैलड बना रही हूँ, क्योंकि अरवी काटने के बाद में मेरे हाथों में खुजली होने लगती है। तो मैंने बोला कि सारी सैलड में भी कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने ना पहले सैलड काट ली। इल्हाम बस 10 मिनट सोई, अभी मेरी सैलड भी नहीं बनी थी, वो उठ गई। अब मैं उसके पास जा रही हूँ, उसके साथ में थोड़ा लेटूंगी, उसको फीड कराऊंगी, फिर वापस आऊँगी। इल्हाम के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि वो सो जाएगी वापस, लेकिन वो नहीं सोई। अभी किचन में ही आ गई मेरे साथ और मुझे बोलती है नूडल्स बना के दो। तो बस मैंने उसको ऐसे खेल में लगा दिया राइस के डब्बे के साथ में, क्योंकि अगर मैं उसको नूडल्स अभी बना के दूंगी तो वो खाना नहीं खाएगी। और इसको जो आलू का सालन या अरवी का सालन होता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए बस मैंने नूडल्स का पैकेट खोल के पतीली में डाल दिया और गैस पर रख दिया बिना पानी डाले, और उसको बोला कि बन रहे नूडल्स। इसको बस ऐसे ही फूल बनाते रहे, बातों में लगाए रखा मैंने इसको। गोश्त को गलाने के टाइम पे मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर, 2 बड़ी प्याज और अदरक लहसुन 2 चम्मच और 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला था और 1 गिलास पानी। गोश्त अब गल गया था तो अब मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया, और आधा गोश्त मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये 1 किलो गोश्त था और मुझे सिर्फ 1/2 किलो ही बनाना था, क्योंकि अरवी मेरे पास थोड़ी थी। तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच मिर्ची डाली और 1 चम्मच हल्दी और धनिया पाउडर डाला मैंने 2 चम्मच, और पानी मैंने डाला है इसमें 2.5 कप, और इसको मैंने अरवी डाल के इसको 2 विसल लिए और अरवी अच्छी तरह से गल गई। उसके बाद में मैंने गार्निश कर दिया इसको हरा धनिया से, और हमारा अरवी का सालन रेडी है। और ये बहुत ही टेस्टी बना था, इशार को भी बहुत पसंद है, इल्हाम को भी, और हमारे घर में सबको ही पसंद है। खाना जब तक रेडी हो रहा था मैंने इन सबको शावर दिया, उसके बाद में हमने खाना खाया, फिर इशार को कुरान पढ़ाया, उसके बाद मैंने पैकिंग कर ली कल के लिए। कल इशार के स्कूल में ग्रेजुएशन डे है, पॉपकॉर्न भी बना लिए। तो बस आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।